आगरा से बड़ी खबर है, मेयर सीट पर बसपा प्रत्याशी की बढ़त बरकरार है। दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है और बसपा की लता लगातार आगे चल रही है, तो यहां पर शानदार प्रदर्शन बसपा ने किया है। कांटे की टक्कर चल भी रही थी मेयर सीट पर, आगरा में बसपा प्रत्याशी की बढ़त बरकरार है। वार्ड नंबर एक में बसपा का प्रत्याशी जीत भी चुका है। वहीं मेयर की बात करें, दूसरे राउंड की काउंटिंग चल रही है और बीएसपी प्रत्याशी ने लगातार अपनी बढ़त बरकरार रखी है। तो आगरा से बड़ी खबर, मेयर सीट पर दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है और बसपा की मेयर प्रत्याशी लता लगातार आगे बनी हुई है, टेंशन दे रही है भाजपा को भी सपा को भी। अलीगढ़ मेयर सीट से दो राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और यहां पर 10,823 वोटों से भाजपा के प्रशांत सिंघल आगे चल रहे हैं। अलीगढ़ को पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने जीता था, लेकिन फिलहाल यहां पर अभी, और ये देखिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का खाता भी यूपी में खुल गया है। आजाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर आजाद की, और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का खाता भी खुल चुका है यूपी में। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का खाता खुला, वहीं आम आदमी पार्टी का भी खाता खुल गया है। मथुरा में आजाद समाज पार्टी का खाता खुला है, तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिल गया इनको, यहां पर एक प्रत्याशी की जीत हुई है। बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का खाता यूपी निकाय चुनाव में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह अच्छी और राहत वाली खबर है चंद्रशेखर आजाद के लिए। आजाद समाज पार्टी का खाता मथुरा में, आजाद समाज पार्टी का खाता खुल गया है। और एक वार्ड से जानकारी ये मिल रही है, देखिए वार्ड नंबर एक से आजाद समाज पार्टी की किरण जीत चुकी है। ये बड़ी बात और राहत वाली खबर, देखिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लिए अच्छी खबर है, खाता यहाँ पर खुल चुका है। कुछ और डिटेल्स है वो आपको बता दें, देखिए 199 नगर पालिका की सीटें हैं, 102 में क्या रुझान सामने आ रहा है वो देख लीजिए आप। भाजपा 43 पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी 29 पर दिखाई दे रही है, बसपा 9 सीटों पर लगातार बढ़त बढ़ाती हुई, और कांग्रेस पार्टी 2 सीट पर लगातार आगे बढ़त बढ़ाती हुई, और अन्य 19 सीटों पर लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 199 सीटें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख लीजिए आप, 43 सीटों पर भाजपा लगातार बढ़ रही है, सपा 29, और साथ ही साथ लगातार पार्टियां आगे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, देखिए नगर पंचायत अध्यक्षों की बात करें तो 544 है, 189 का आंकड़ा सामने आ गया। भाजपा 61 पर आगे चल रही है, सपा रुझानों में 45 पर आगे है। बसपा की बात करें तो 15 जगहों पर आगे चल रहे इनके प्रत्याशी, कांग्रेस का केवल एक, और अन्य की बात करें देखिए थोड़ी देर पहले 44 थे, अब 57 पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो 544 कुल नगर पंचायत अध्यक्ष बनने हैं, 189 का रुझान है, 61 पर भाजपा, 45 पर सपा, 57 पर निर्दलीय, बसपा 15 पर और कांग्रेस 1 पर आगे चल रही है। तो ये नगर पंचायत अध्यक्षों का रुझान है जो आपके सामने है। बिल्कुल, ये पूरा आंकड़ा आपके सामने, 189 का रुझान सामने आ चुका है 544 में से, और ये पूरी जानकारी देखिए, भाजपा 61, सपा 45, बसपा 15, कांग्रेस 1 और 57 पर अन्य सीट, अन्य लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये पूरा आंकड़ा आपके सामने, लगातार हर एक हिस्से की जानकारी आपको दे रहे नगर पंचायत अध्यक्ष के। 189 सीटों पर जो रुझान है वो सामने आ चुका है, 544 कुल सीटें हैं और उसमें से लगातार बढ़त बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी। और देखिए बड़ी खबर अब इस वक्त गोरखपुर से आ रही है, मेयर पद को लेकर रुझान भी सामने है। देखिए ये कौन बनेगा मेयर गोरखपुर की बात करें, जो सीधा टक्कर मुकाबला है वो भाजपा के डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जो कि आगे चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पे काजल निषाद। देखिए मंगलेश श्रीवास्तव को 31,511 वोट अब तक मिले हैं, वहीं काजल निषाद जो सभा की प्रत्याशी उनकी बात करें काफी पीछे हैं, 18,950 वोट मिले हैं। तो ये गोरखपुर के प्रथम नागरिक की लड़ाई है जिसमें डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और काजल निषाद के बीच टक्कर है। मंगलेश श्रीवास्तव काफी आगे निकल चुके हैं और मिर्जापुर 96 सीट पर भी सपा लगातार आगे चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, उपचुनाव को लेकर भी लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। सपा की कीर्ति कोल 2,754 वोटों से आगे चल रही है, और इसके अलावा आजाद समाज पार्टी से भी बड़ी और राहत वाली खबर चंद्रशेखर आजाद के लिए आ रही है कि उनका भी एक वार्ड मेंबर जीतने में कामयाब रहा। वहीं मिर्जापुर की 96 सीट में भी समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है, सपा लगातार आगे बढ़ रही है, और भाजपा के लिए ये झटका क्योंकि अपना दल एस का वहां पर प्रत्याशी, और ये झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अपना दल एस के विधायक राहुल कौल के निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई। एक बार फिर से लौट आते हैं निकाय चुनाव पर। बिल्कुल, देखिए बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही है, बलरामपुर से भी एक रुझान सामने आ गया है। गैसनी नगर पंचायत को सपा रुझानों में वहां पर जीतती नजर आ रही है, रुझानों में आगे चल रही है सपा। सपा के कमालुद्दीन को 331 वोट मिले हैं, तो ये बलरामपुर के गैसनी से आ रही है।
बड़ी खबर गैसड़ी नगर पंचायत से सपा रुझानों में आगे हो गई है और जो सपा के प्रत्याशी हैं कमालुद्दीन वो 331 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बलरामपुर की तस्वीर है। तो लगातार रुझान हम आपको दिखा रहे हैं और बलरामपुर के गैसड़ी नगर पंचायत से सपा आगे है। सपा के प्रत्याशी हैं कमालुद्दीन जिनको 331 वोट मिले हैं और लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो बलरामपुर में भी सपा के लिए नगर पालिका में एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।